Hi everyone, welcome to Blue Dependent. So in this video, we'll discuss about the admission in the Indian Culinary Institute. So जिनको पता नहीं है कि culinary arts क्या होता है, तो culinary arts जो है, it is the art of food preparation, cooking and presentation of food. So basically जो chef होते हैं, उसकी training का course है ये. So यहाँ पर आपको करने को मिलेगा दो course, BBA Culinary Arts and MBA Culinary Arts. तो हम discuss जो करेंगे, वो करेंगे हम BBA Culinary Arts के बारे में. Next एक information देख सकते हैं आप. Only vegetarian practical options is also available. तो अगर आप नॉन वेज नहीं है सो ओनली वेजिटेरियन प्रैक्टिकल जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे. इंस्टीट्यूट नेम इज इंडियन कलरी इंस्टीट्यूट एंड इट इज प्रेजेंट इन तिरुपति एंड ऑल्सो इन नोएडा. इंस्टीट्यूट इज ऑफरिंग प्रोग्राम इन कोलेबोरेशन विद द इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी दैट इज IGNTU अमरकंटक. सो इस कोर्स को करने के बाद आपके सामने जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है वो क्या रहने वाली है, चलिए इसको देखते हैं. सो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है शेफ इन होटल एंड अलाइड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इसके अलावा किचन मैनेजमेंट पोजिशन इन होटल फ्लाइट किचन सर्विसेज एयरलाइंस में जो होती हैं, इसके अलावा इंडियन नेवी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव इन इंटरनेशनल एंड नेशनल फास्ट फूड चेन्स. यहां पर आपको करियर ऑप्शन मिल जाएंगे इस कोर्स को करने के बाद. इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल केटरिंग, फैकल्टी इन होटल मैनेजमेंट, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, एज अ शेफ इन शिपिंग और क्रूज लाइन्स, रेलवे हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग सर्विसेज, होटल एंड गेस्ट हाउस रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और एंटरप्रेन्योरशिप है उसका ऑप्शन तो रहता ही है. द प्रोग्राम ऑफर इन डेप्थ वर्क फॉर द स्टूडेंट टू एक्वायर रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल इन द ऑपरेशनल एरियाज ऑफ फूड प्रोडक्शन, फूड हाइजीन, फूड हैंडलिंग, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. इट ऑल्सो प्रोवाइड मैनेजरियल इनपुट्स फॉर द किचन मैनेजमेंट एंड फूड कॉस्टिंग. अब बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स की. सो दो कैंपस है ICI तिरुपति और ICI नोएडा. ICI तिरुपति में 120 सीट्स हैं और ICI नोएडा में भी 120 सीट्स हैं. बाकी जो कैटेगरी वाइज सीट ब्रेकअप है वहां देख सकते हैं. इस इंस्टीट्यूट में भी आप CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं. प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द CUET स्कोर ओवर द IGNTU, ICI, JEE इन केस ऑफ टाई. सो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ये आपको मिल जाएगी CUET में. जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें जो यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन आता है उसमें जो IGNTU है ये मिल जाएगा. वहां से आप इस कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं BBA कलरी आर्ट्स. हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिल जाने वाली है इंस्टीट्यूट में. अब देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में, BBA कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है. सो आपने अपना 10+2 पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से हो, 45% मार्क्स फॉर द जनरल एंड ओबीसी एंड 40% मार्क्स फॉर द SC ST PWD कैंडिडेट्स. दूसरा आपके पास होना चाहिए एक वैलिड CUET 2024 का स्कोर या IGNTU, ICI, JEE का स्कोर. तो इंस्टीट्यूट अपना खुद से भी कराएगा एंट्रेंस, उसके बेस पे भी ले सकते हैं आप एडमिशन. इसके अलावा जो CUET का स्कोर है उसको भी कंसिडर किया जाएगा. पर बात करें फीस की तो BBA कलरी आर्ट्स की जो फीस लगेगी वो लगेगी सेमेस्टर वाइज. सो फर्स्ट सेमेस्टर में 80,500, सेकेंड सेमेस्टर में 72,000 फीस लगेगी. इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर में 77,000, फोर्थ सेमेस्टर में 72,000, फिफ्थ सेमेस्टर में 77 एंड सिक्स सेमेस्टर में 72,000. सो करीब करीब आपको 1.5 लाख रुपीस फीस लगने वाली है पर ईयर. सो टोटल करीब करीब 4.5 लाख में ये पूरा कोर्स आपका हो जाने वाला है. इसके अलावा जो हॉस्टल फीस चार्जेस हैं ये अलग से हैं एंड दिस चार्जेस आर इंक्लूडिंग द मेस चार्जेस. सो अगर आप ट्रिपल शेयरिंग में रूम लेते हैं तो उस केस में 30,000 रुपीज देने पड़ेंगे आपको पर सेमेस्टर. इसके अलावा सिंगल लेते हैं रूम तो 40,000 पर सेमेस्टर. इसके अलावा 5,000 रुपीज का जो हॉस्टल कॉस्ट डिपॉजिट है वो लिया जाएगा वन टाइम. तो अगर हम ट्रिपल शेयरिंग लेते हैं तो एक साल में करीब जो 60,000 रुपीज है वो हो जाएंगे हमारे हॉस्टल और मेस चार्जेस के. तो 1.5 लाख रुपीज करीब फीस है पर ईयर और जो 60,000 है वो हो जाएंगे हमारे हॉस्टल के. तो इस तरह से 2.1 लाख आपको लगने वाले हैं पर ईयर. रिजर्वेशन ऑफ सीट इज एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर सारी चीजें चलेंगी. तो बात करें रिफंड पॉलिसी की तो अगर आप सेशन स्टार्ट होने से पहले रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो सारा कुछ आपको रिफंड कर दिया जाएगा 1,000 रुपीज को छोड़ के. इसके अलावा जब सेशन स्टार्ट हो गया उसके बाद आप अप्लाई करते हैं रिफंड के लिए तो उस केस में नो रिफंड एप्लीकेबल. जो कॉशन मनी है 2,500 रुपए की वही रिफंड की जाएगी, बाकी और कोई अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा. बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में. तो इंपॉर्टेंट डेट्स है स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है. इसका लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो है 25 मई. पॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो होगा 26 मई को 11 बजे से 1 बजे के बीच में. जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 31 मई को. जो फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट है वो होगा 3 जून को. रिपोर्टिंग करनी है फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट की अगर आपको हो गई है 3 जून से 6 जून के बीच में. सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट 10 जून को होगा और 10 से 13 जून के बीच में आपको इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्टिंग करनी है, एडमिशन ले लेना है. जो फाइनल राउंड आएगा सीट अलॉटमेंट का वो होगा जून 18 को और 18 से 21 के बीच में आपको वहां पर जाकर रिपोर्ट करके फाइनल जो सीट अलॉटमेंट है वो फिक्स कर लेना है. स्पॉट एडमिशन
24 जून से लेकर 12 जुलाई के बीच में होंगे और जो कमेंसमेंट ऑफ सेशन है इट इज फ्रॉम द 15th ऑफ जून। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो वेबसाइट है वो है www.icitirupati.in। इस साइट पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो पहले हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको क्या क्या डिटेल्स उसमें भरनी है। सो या अगर हम आईसीआई तिरुपति की वेबसाइट पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन फॉर बीबीए एमबीए कलरी आर्ट्स एडमिशन 2024-25। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सो क्लिक करते के साथ आपके सामने एक ओपन हो जाएगा गूगल फॉर्म। सो इस गूगल फॉर्म में जो जो इन्फॉर्मेशन मांगे वो आप भरते जाएंगे। सो ईमेल आपका ऑटोमेटिकली ले लेगा ये। इसके अलावा आपको अपना नेम भरना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आपको चॉइस करना है, सेंटर ऑफ स्टडी तिरुपति में पढ़ना चाहते हैं, नोएडा वाले कैंपस में पढ़ना चाहते हैं, एड्रेस परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर। इसके अलावा आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, टेंथ में कितने मार्क्स आए हैं वो और टेंथ की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सो आप पहुंच जाएंगे आगे वाले स्टेप पे। तो इस तरह से आगे कर करके आपको जो फॉर्म फिलिंग है वो कर लेनी है। अब देखते हैं आईसीआई के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में कि अगर आप बीबीए प्रोग्राम कर लेते हैं सो बीबीए प्रोग्राम करने के बाद जो प्लेसमेंट है वो कैसे होती है। सो हमारे पास लास्ट ईयर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है तो चलिए इसको देखते हैं प्लेसमेंट कितनी कितनी गई थी। सो टोटल 34 लोगों ने पास किया था बीबीए जिसमें से 10 फीमेल थे और 24 मेल्स थे। जितने भी प्लेसमेंट के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई थी उसमें से 21% जो लोग थे दे आर प्लेस्ड इन अब्रॉड, 60% प्लेस्ड इन इंडिया एंड 90% लोग थे दे ऑप्टेड फॉर द हायर स्टडीज। जो पार्टिसिपेटिंग रिक्रूटर्स हैं वो देख सकते हैं आप किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। बिग सीडर लॉज यूएसए, आईटीसी ग्रुप, रेजिडेंसी ग्रुप, मैरियट होटल्स, कंपास, रेडिसन, ये सब चीजें नाम आप देख सकते हैं किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। रेंट्री होटल्स, ताज ग्रुप, मैक्सिमम सीटीसी देख सकते हैं आप। सो मैक्सिमम सीटीसी तो दिस इज अराउंड आप मान सकते हैं 24 लाख, तो मैक्सिमम सीटीसी इतना गया था 24 लाख। और जो मीडियम पैकेज है, मीडियम पैकेज इज अराउंड 3 लाख। सो 24 लाख का पैकेज है, दिस इज फॉर द फॉरेन क्योंकि इंडिया में तो इतनी पैकेज मिलेगा नहीं। जो मीडियम पैकेज रहने वाला है वो रहने वाला है 3-5 लाख के बीच में रहेगा मीडियम पैकेज। दिस आर द डिटेल अबाउट द इंडियन कलरी इंस्टीट्यूट एडमिशन 2024। आपकी फूड इंडस्ट्री में अपना कैरियर ऑप्शन दिखना चाहते हैं सो यू कैन फिल द फॉर्म। स्वीटी का फॉर्म फिल करना ही है आपको, उसका एग्जाम देना ही है। उसमें आपको जो IGNTU सेलेक्ट करना है उसमें ऑप्शन आएगा कलरी आर्ट्स वाला ऑप्शन, उसको सेलेक्ट करना है और आपको स्वीटी का एग्जाम देना है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट का खुद का भी एंट्रेंस है आपको फॉर्म फिल करके और उसका भी एंट्रेंस दे देना है, तो दोनों ही एंट्रेंस आपको ऑप्ट करने हैं। ऐसे इंडिया के इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ओपनिंग जानने के लिए सब्सक्राइब करिए द प्ली रिपोर्टेंट को एंड शेयर द वीडियो। मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।